पीएम मोदी के लिट्टी चोखा खाने की तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता पीएम के लिट्टी चोखा खाने पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई एनडीए के नेता पीएम मोदी के सपोर्ट में भी आए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कई लोग पीएम मोदी के इस अंदाज को बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लिखा, बिहार के मशहूर व्यंजन लिट्टी चोखा का आनंद लिया और इसके स्वाद की मुक्त कंठ से सराहना की। दूसरी तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि इंडिया गेट पर चल रहे हुनर हाट मेले में अचानक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहार बसता है, वो बिहारी व्यंजन को पसंद करते हैं। मंगल पांडे थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गए। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी को लिट्टी चोखा खाते देख खुशी हुई। बिहार के लोगों के लिए यह व्यंजन सादगी, विनम्रता और यह हमारी महान पाक कला का हिस्सा है, यह गौरव की बात है। हालांकि पीएम मोदी का लिट्टी चोखा खाना कहीं से भी गौरव की बात नहीं लगता, जैसा कि जेडीयू के मंत्री जी बता रहे हैं। आखिर पीएम मोदी लिट्टी चोखा क्यों नहीं खा सकते? ऐसी कोई मान्यता तो है नहीं कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला हो उस राज्य का व्यंजन देश का प्रधानमंत्री नहीं खाएगा। एनडीए नेताओं के द्वारा पीएम मोदी के लिट्टी चोखा खाने को गौरवशाली बताना उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि महागठबंधन के नेता इसे पीएम मोदी की राजनीति बता रहे हैं।